प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग के सिलसिले में दौरे कर रहे हैं, आगरा पहुंचे हैं। के खिलाफ देश की जो लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में चल रही है, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस पर प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। एक सामूहिक टीम भावना के साथ प्रदेश के अंदर जो कार्य हुआ है, प्रदेश सरकार, माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक टीम, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, समाज के विभिन्न तबके के लोगों ने जो सहयोग किया है, आज उसका परिणाम है 12 दिन में प्रदेश के अंदर 1,06,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। 30 अप्रैल को प्रदेश में 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज मॉर्निंग में जो रिजल्ट आए हैं उसमें प्रदेश में 2,04,000 एक्टिव केस रह गए हैं और निरंतर इसमें गिरावट है, जिसमें अगर हम आगरा मंडल की बात भी करें तो आगरा मंडल में पिछले एक सप्ताह में लगभग 1,750 एक्टिव केस कम हुए हैं। यानी ये दिखाता है कि इसमें लगातार गिरावट आ रही है, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। इसमें हम लोगों ने फोकस किया है, खासतौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट वेव के समय एक बात कही थी कि ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, उस मंत्र को हम लोगों ने इसमें भी अपनाया है। लेकिन इसमें हमने अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन को इसके साथ जोड़ करके इस सेकेंड वेव को उसी रूप में हम लोग लेकर के चल रहे हैं और उसी तर्ज पर हम लोगों ने अब तक प्रदेश में